नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ लोगों ने शिवसेना का नाम चुराया, पार्टी का चिन्ह चुराया, बाप चुराने की कोशिश की, लेकिन आज भी उद्धव ठाकरे का नाम लेना पड़ता है। वो लोग बाला साहेब ठाकरे की फोटो चुरा सकते हैं, लेकिन लोगों के दिल नहीं। शिवसेना के 75वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा, ये भीड़ पैसे देकर नहीं आई है, ये 57 साल की तपस्या है। बीजेपी ने प्रचार पर जितना पैसा खर्च किया उतना किसानों को देते तो उनके दिन बदल जाते। वो फसल ले गए लेकिन खेत हमारे पास है। उद्धव जी ने अपने भाषण में कहा, मणिपुर में हिंसा हो रही है और प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं। एक अधिकारी कह रहा है कि मणिपुर में सीरिया जैसे हालत बन गए हैं। डबल इंजन सरकार क्या कर रही है, इंजन फेल हो गया है। फडणवीस जी कह रहे हैं कि कोविड की वैक्सीन मोदी जी ने तैयार की, अंधभक्तों को यह नहीं पता कि वैक्सीन वैज्ञानिकों ने तैयार की है। कांग्रेस के समय में कहते थे इस्लाम खतरे में है, आज इनकी सरकार है तो हिंदू खतरे में है। मैं मीडिया को कहता हूं कि जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो वे लिखते हैं कि शिवसेना को झटका लगा। कैसा झटका? अगर आपको कोई और भी बिकाऊ लगता है तो उसे भी ले जाओ। मैं गद्दारों को कहता हूं कि लिस्ट लेकर आओ, हम उन्हें आपके साथ भेज देंगे। उधर एकनाथ शिंदे के गुट ने भी गोरेगांव में नेस्को मैदान में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी के नए सोशल मीडिया हैंडल्स लॉन्च किए। शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों ही दावा कर रहे हैं कि वे ही बाल ठाकरे की राजनीतिक विचारधारा के असली उत्तराधिकारी हैं। दोनों गुट अगले साल के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के साथ साथ लंबे मुंबई में बीएमसी चुनाव की तैयारी में लगे हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।